नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो पे हम जानेंगे कि दोस्तों, जैसे कि आप कीबोर्ड को देखते हैं तो ये ब्लैक कलर का और व्हाइट कलर का की आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा दिखता है। इस पे हम कैसे जानेंगे और जो कीबोर्ड प्ले करते हैं वो कैसे जानते हैं कि कहाँ से गाना बजेगा, तो ये सब जो फंडा है इसको आज मैं आपके दिमाग से दूर करने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ कि हम गीत को कैसे प्ले करते हैं कीबोर्ड पर। तो चलिए सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं, कीबोर्ड पे 12 स्केल होते हैं और 12 स्केल से पूरा का पूरा कोई भी गाना हम बजा सकते हैं। तो कोई भी जो कीबोर्ड प्लेयर है वो कैसे बजाता है और कैसे वो जानता है कि कहां से गाना बजेगा, इसके लिए मैं आपको अपने गले का उदाहरण देना चाहूंगा, ठीक है? तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं काली एक से कोई गीत बजा कर देखते हैं, ठीक है? तो ये काली एक का मैंने कॉर्ड लगा लिया, ये जो कीबोर्ड है ना, ये हमारा गला है, ठीक है? इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, कीबोर्ड जो है वो हमारा गला है और हम यहाँ पे जैसे हाथ रखते हैं, तो ये यहाँ पे मान के चलिए कि आपने जहां पे हाथ रखा वो आपका स्केल है और ये स्केल के बाद आपको नीचे जाना है और ऊपर जाना है, वो आपका गला आपको बताता है। इस कारण से हम उसको बजा पाते, ठीक है? तो हम यहाँ पे अपने गले को कीबोर्ड हारमोनियम जो है पूरा का पूरा गला के ऊपर ही बना है। जैसे हम जोर से बोलेंगे इस पार जाएगा, धीरे से बोलेंगे इस पार जाएगा, तो वैसे ही है। कोई भी गाना जब थोड़ा आगे बढ़ता है तो हम इस पार का की लेते हैं, नीचे जाता है तो हम इस पार का की लेते हैं। लेकिन ये चीज ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमको एक स्केल फिक्स करना होता है कि हम ये स्केल से बजाएंगे, वरना हम कहीं भी से बजाएंगे तो वो हर जगह से गाना बजेगा। जैसे कि यहाँ परदेसी में बजाता हूँ, परदेसी जाना नहीं, मैं जहां पे भी हाथ रख दूंगा वहां से परदेसी बजेगा। जैसे मैं यहाँ पे हाथ, परदेसी जाना नहीं, ठीक, यहाँ पे रख दूंगा परदेसी जाना नहीं, जहां पे भी हाथ रखूंगा वहां से परदेसी बजेगा। यहाँ भी परदेसी जाना नहीं, तो ये मैं कैसे जान पा रहा हूँ कि यहाँ से ये कौन कौन से कीज पे बजेगा? तो ये मैं अपने गले को मेज करवा के जान पाता हूँ कि मेरा गला और कीबोर्ड जो मैं बजा रहा हूँ उसका टोन वहां से कैसे आ रहा है, उसको महसूस करके मैं जान पाता हूँ कि ये की पे जाएगा या ये की पे जाएगा। तो ये चीज महसूस करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्या करना होता है, जो आपका मेन स्केल है, ओरिजिनल स्केल, जैसे एक स्केल आपको च्वाइस करना होगा। स्केल क्या होता है, एक स्केल पे 12 सुर होते हैं। जैसे ये हमारा काली एक स्केल है, ठीक है? तो इस पे हम 12 सुर देखते हैं, आपको बताते हैं। सा कोमल रे सुधरे कोमल गा शुद्ध गा मा तीव्र मा पा कोमल धा शुद्ध धा कोमल नि शुद्ध नि सा, तो सारे गा मा पा धा नि सा, शॉर्टकट में हम ये 7 सुरों को लेते हैं। ये सा जो है ना वो अगले सप्तक का है, ये 7 सुर हमारे सारे गा मा पा धा नि यहाँ तक खत्म हो जाते, फिर सा अगले सप्तक का हो जाता है। तो हम यहाँ पे जानने क्या वाले हैं कि कैसे हम फाइंड कर पाते हैं, कैसे हम जान पाते हैं कि ये की पे नहीं जाएगा ये की पे जाएगा। तो वो चीज तभी हो पाएगा जब आप कीबोर्ड पे या हारमोनियम पे उस एक एक कीज को पहचान पाएंगे कि ये साउंड कैसे कर रहे हैं, हमारे गले के साथ कैसे साउंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया, तो ये जैसे मैं किसी की पे हाथ रखता हूं और वो की पे मैं अलग साउंड दे रहा हूं, वहां से अलग साउंड आ रहा है, तो मुझे फिर फाइंड नहीं हो पाएगा कि ये कौन से बटन पे जाके ये गाना बजेगा करके। जैसे मैं परदेसी 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 परदेसी, तो ये हम नहीं जान पाएंगे। हम कैसे जानेंगे, यहाँ पे मैच हो गया, परदेसी जाना नहीं, मुझे 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 छोड़ के, मुझे छोड़ के, ये तो
हम फाइंड तभी कर पाएंगे जब हम उसके साथ अपने गले को मैच करवाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, कीबोर्ड जो है वो हमारे गले के ऊपर ही बना हुआ है। ये हम काली एक से बजा रहे हैं, वही चीज बजेगा। काली दो पे बजाएंगे थोड़ा हाई हो जाएगा, काली तीन पे बजाएंगे थोड़ा हाई हो जाएगा, काली चार पे बजाएंगे और हाई हो जाएगा, काली पांच पे बजाएंगे और हाई हो जाएगा। लेकिन गाना हर स्केल से बजेगा। हम सफेद एक से भी बजाएंगे, यहाँ से भी गाना बजेगा। सफेद दो से यहाँ से भी गाना बजेगा। सफेद तीन से यहाँ से भी गाना बजेगा। तो हर जगह से गाना बजेगा। लेकिन आपको सीखना क्या है, जैसे कि हम ये चीज सोचते हैं कि कोई भी कीबोर्ड बजा रहा है तो हम सोचते ये हैं कि वो कैसे जानता होगा कि यहाँ से गाना बजेगा, ये इस बटन पे जाएगा, अब ये इस बटन पे जाएगा। ये खाली एक, जब जैसे आपको एक एक कीज पे रियाज हो जाएगा, ऐसे प्रकार अगर आपको रियाज हो जाता है, एक स्केल का पूरा कीज को आप रियाज कर लेते हैं, उसके बाद आपको फाइंड करने में ज्यादा मदद मिलता है। अगर आप डायरेक्ट गाना बजाना चाहेंगे, डायरेक्ट ढूंढना चाहेंगे किसी भी गाने को, तो वो नहीं मिलेगा जब तक आपका गला मैच नहीं हुआ रहेगा। इसलिए सबसे पहला पॉइंट यही है दोस्तों कि आप अपने गले को मैच करवाइए, और गाना जो ढूंढने का प्रोसेस है वो यही है कि हम एक स्केल पे अपना गला मैच करवाएं, उसके बाद हम गाने को ढूंढें, और इस प्रकार ढूंढें कि हम देखेंगे कि आप कोई भी गाना हम यहां से गा रहे हैं तो हम देखेंगे कि गाना यहां से हाई जा रहा है या गाना यहां से लो जा रहा है। जैसे कि अब यहां से घूंघट में चांद होगा तो घूंघट में अब नीचे आ रहे, देखिए घूंघट में ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो यहां से हम नीचे फाइंड करते हैं। घूंघट में चांद होगा, आंचल में चांद नहीं, ये इस प्रकार से फाइंड करेंगे। अब यहां हम यहां पे जादू, ये गाना है, ठीक है। तो जादू तेरी नजर, अब हम ऊपर जा रहे जादू, तो जादू तेरी नजर। देखिए अगर हम गलत कीज पे भी हाथ हमारा हो जाता है तो वो भी हमको तभी पता चल पाएगा हम गलत हैं कि जब आपका गला मैच रहेगा। तो आप अपने गले को मैच करवा के रखिए, तभी हम किसी भी गलत कीज पे भी जाएंगे ना तो वहां से हमको एक टचअप मिल जाता है कि नहीं ये कीज पे नहीं जाके हमको इस पे जाना है, या इस पे हम आ गए हैं और हमको जाना था इस पे, तो हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमको इस पे आना था। तो इस प्रकार से देखिए ये गलत हो रहा है, तो ये इस प्रकार से हम फाइंड कर पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। कोई भी चीज अगर आपको और सीखना है कीबोर्ड के बारे में, हारमोनियम के बारे में, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।